उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी तरीके से उत्तराखंड में आ गई है, परंतु भाजपा में एक दूसरे के प्रति भीतरघात देखा जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पार्टी के बीच घमासान को कैसे रोके समझ में नहीं आ रहा है और इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का सीएम वही बनेगा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ होगा, परंतु भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परिवेश में विधायक मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, परंतु भाजपा में उत्तराखंड का सीएम किसको बनाना है उसका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं। हमने देखा कि हमने सारे दलों का सोपड़ा साफ कर दिया और हम जिस प्रकार से सफाई करते हुए आ रहे हैं, अगली बार हम उत्तराखंड पहुंचेंगे। उत्तराखंड में पहला चुनाव था लगभग एक साल पूर्व में ही हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और उस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सभी क्रांतिकारी साथी अपने केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से चुनावी तैयारियों में जुट गए थे और आम आदमी पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ उन मुद्दों को जनता के बीच में रखा जिनके लिए हमने इस राज्य की मांग की थी। लेकिन मुझे लगता है कि परिणाम अपेक्षित नहीं आया। जनता का जनादेश है, उसका सम्मान करते हैं, उसको शिरोधार्य करते हैं और उससे सीख भी लेते हैं। शायद जनता ने हमें फिर 5 साल संघर्ष के लिए मौका दिया है और इस बार हम संघर्ष करेंगे। उत्तराखंड नवनिर्माण का जो हमारा मिशन है उस मिशन को हम लेकर चल रहे हैं और सभी वादे जो किए हैं उनके लिए लगातार आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी और हम फिर से उठ खड़े हुए हैं और बहुत जल्दी ही आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर पहले की तरह चल रही है। इसमें कोई नहीं, पहला चुनाव था, परिणाम फिर भी बहुत अच्छा रहा। जनता ने जो सम्मान दिया उसके लिए हम जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से समीकरण ऐसा बना कि दोबारा सत्ता में आ गई, लेकिन आने के बाद जो भीतरघात है उसका शिकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से है। उसको कैसे थामा जाए ये भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए लगातार उनका शपथ ग्रहण समारोह, कभी बोलते हैं कि होली में ठीक नहीं है, कभी ये मुहूर्त ठीक नहीं है, कभी वो मुहूर्त ठीक नहीं है। होली से अच्छा मुहूर्त कौन सा होता है? हमने पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह करा लिया अपना, आप क्यों नहीं करा पा रहे? क्योंकि आपके अंदर एकता नहीं हो पा रही है, वहाँ डर है खलबली मचने की, इसलिए वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। फिर फरमान आएगा, मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसके सर पर मोदी जी का हाथ होगा, लेकिन उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अमली जामा पहनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कुछ दिन में आप सुन लेंगे कि फला फला मुख्यमंत्री बन रहे हैं और विधायक दल की बैठक होगी, इसमें सर्वसम्मति से ये फैसला ले लिया गया, लेकिन फैसला मोदी जी और अमित शाह जी का ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा दिल्ली से चलती है, कांग्रेस की सरकार हमेशा दिल्ली से चलती है। ईमानदार सरकार की जरूरत थी, ईमानदार राजनीति की जरूरत थी, वो इस बार नहीं हो पाया, अगली बार जरूर होगा। इन दलों से उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है। पिछले बार 85,000 करोड़ का कर्ज भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया है, सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाली पार्टी बन गई है। 3-3 सरकारें इन्होंने बदली, फिर मैंडेट उनको गया है, इस बार जनता के दिल से बिल्कुल ही उतर जाएंगे। आवाज़ इंडिया के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।